Hello everyone. I hope you all are well and good. So now we are here to discuss the chapter number 2 for class 9. In previous video, we had completed the chapter number 1, part A, which was communication skills. I hope you all are understand completely the chapter number 1. चैप्टर नंबर वन में आपको जो होमवर्क था दिया बेटा वो 5 नंबर क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये 5 और 6 आपको नोटबुक पे नोट डाउन करने थे। आई होप आपने किए होंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और जो ये बैक एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 चूज द आर्टिकल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव पैसिव टू एक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स These all 4 questions you have to do on your book with pencil. Live class में हम इसके बारे में discuss करेंगे जो भी इसके answers होंगे। Next बेटा आज का हमारा topic है chapter number 2 self management. Very easy and very informative chapter है बेटा। ध्यान से आपको ये भी read करना है। Self management name से पता लग रहा है अपने आप को manage करना। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपने आप को मैनेज करना। हाउ टू मैनेज टू योर सेल्फ आप अपने आप को मैनेज कैसे करोगे। वेयर आर यू ड्राइविंग योर सेल्फ टू नाउ राइज अप ब्रेक न्यू टेरिटरीज एंड लिव लाइफ एज इफ यू आर परफेक्ट एंड द लीडर ऑफ योर ऑन कैलिबर। कहते हैं आप अपनी लाइफ के खुद ही ऑनर हो मालिक हो कुछ भी कह दो तो आपने अपनी लाइफ की लीडर हो तो आपको उसको परफेक्ट बनाना है अपने कैलिबर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। मेकिंग कमिटमेंट्स विद योरसेल्फ एंड प्रॉपरली शेड्यूलिंग द थिंग्स इन एंड अराउंड योरसेल्फ इज द की ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन किसको बोलोगे आप अपनी लाइफ में। जैसे कि देखो अपने आप से ही कमिटमेंट करना कि मैंने ये काम इस टाइम पे करना था उसका शेड्यूल बना के उसी टाइम पे उस काम को फिनिश करना दैट इज द की ऑफ परफेक्शन। Self management is the modes of using the traits of one's personality in a righteous and authoritative way which leads to perfection. अपने आप को मैनेज करने का मतलब क्या होता है इस तरह की पर्सनैलिटी को अपने अंदर लेके आना जो करेक्ट हो अथॉरिटेटिव मतलब जैसे आप खुद बॉस हो अपनी लाइफ के और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी परफेक्शन को आप अचीव कर सकते हो। It is act or manner of organizing the skills that belongs to inner self of an individual. किसी person की अपनी inner self, अपनी जो self respect है, inner self है, वो ही आपके skills को improve करेगी। उसको manner करना, organize करने के act को बोला जाता है। It gives the strength to an individual to effectively nurture and utilize his other skills. तो ये अपने अंदर ही अपनी स्ट्रेंथ होती है अपने आप को इम्प्रूव करना नर्चर करना मतलब आगे मोटिवेट करते रहना अपने आप को आगे जाने के लिए और अपनी हर एक स्किल को यूटिलाइज करना। आप में स्किल्स हैं बट कई होती हैं किसी वजह से उस स्किल्स को यूज नहीं कर पाते तो उन स्किल्स को यूटिलाइज करके यूज करके अपने आप को मोटिवेट करके स्ट्रेंथ करना स्ट्रेंथन करना अपने आप को और आगे बढ़ना। सेल्फ मैनेजमेंट इंक्लूड्स गोल सेटिंग प्लानिंग शेड्यूलिंग सेल्फ डेवलपमेंट कंटिन्यूस लर्निंग इन जनरल यू आर प्लेइंग योर ऑन मैनेजर्स रोल। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोई होटल है रेस्टोरेंट है किसी भी तरह की कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है हर एक के ऊपर जो ध्यान रखता है सारा वर्क ध्यान से हो रहा है किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एवरीथिंग जो मैनेज करता है दैट इज मैनेजर होता है वो। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब हमने खुद को मैनेज करना है। क्या मैनेज करोगे खुद में अपने गोल्स को आपने क्या अचीव करना है उसके लिए आपने प्लानिंग कैसी करनी है उस प्लानिंग का शेड्यूल कैसे बनाना है उस प्लानिंग के शेड्यूल को यूज कैसे करोगे अपनी डेवलपमेंट करना और कंटिन्यू लर्निंग करते रहना उस एम को पाने के लिए उस गोल को पाने के लिए। तो हमारे लिए ये सेल्फ मैनेजमेंट है अपने आप को जानना हम क्या चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने आप को शेड्यूल करना मोटिवेट करना सेल्फ मैनेजमेंट करना। तो इन जनरल हम क्या कहते हैं हम किसका रोल प्ले कर रहे हैं अपने मैनेजर का रोल हम अपने लिए खुद ही मैनेजर हैं। अब होटल्स में रेस्टोरेंट में मैनेजर अलग से होता है बट हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हम खुद के ही मैनेजर हैं और मैनेजर का रोल आप प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ में।
नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे ये पिक्चर भी आपको यही बता रही है, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, यहाँ पे हाथ वगैरह यहाँ पे ज्वाइन किए दिखाए गए हैं, ये सारी मैनेजमेंट है, ये सारा अपना अपने आप को मैनेज करना, कब काम करना है, कब प्रे करनी है, कब कौन सा काम करना है, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हेल्प अस टू मैनेज अवर थॉट प्रोसेस, इमोशंस, इनर रिसोर्सेज एंड इनेबल्स टू हैंडल सिचुएशन विद पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। हमें क्या मिलता है सेल्फ मैनेजमेंट से? हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज और हर एक हैंडल सिचुएशन को हैंडल करने की आप में कैपेसिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, घबराते नहीं हो, कोई भी सिचुएशन आपके आ जाए, आपके आगे आ जाए, आप उसको हैंडल कर सकते हो। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी काम करेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी, एज इट हेल्प यू टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर्स अवर सेल्फ। पर्सनल में जैसे मान लो घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप ही अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं रखोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो बाकी पर्सन को फैमिली के कौन संभालेगा? तो इस तरह से पर्सनल लाइफ में अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना। प्रोफेशनल में मान लो कहीं पे काम कर रहे हो, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, ऐसा तो नहीं आप काम करना छोड़ दोगे, एक बार अच्छी नहीं गई दूसरी बार अच्छी तरह से तैयार करोगे, तो अपने आप को मैनेज करना। इट इनकल्केट्स कॉन्फिडेंस विद इन एन इंडिविजुअल टू फेस एंड हैंडल द डिफरेंट सिचुएशन। लाइफ की हर एक सिचुएशन को हैंडल करना ही हमें सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन वंस आइडेंटिटी और इंप्रेशन, टू मेक द सिचुएशन मोर पॉजिटिव एंड टू लीड एन ऑर्गेनाइज एंड कंफर्टेबल लाइफ मोर स्मार्टली। किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं, उस सिचुएशन को हैंडल करके कंफर्टेबली ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ना है, लाइफ को स्मार्टली जीना है। मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेस रिलेटेड विद इन द सिचुएशन। कहते हैं ये हमें किस चीज में हेल्प ज्यादा करेगा? जैसे कोई काम कर रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी बॉस का आपका, आपको बहुत स्ट्रेस है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको बहुत हेल्प करेगा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है? स्किल्स कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन अवर लिविंग स्टाइल। जैसे सेल्फ मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, जिससे आपका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो आज बेटा सिर्फ इसकी अपनी इंट्रोडक्शन करनी थी कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि आपको पता है, ये चैप्टर्स आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, इन फ्यूचर जब आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, जॉब करते हो, तो आप में ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारे उस ये चैप्टर्स हैं जो आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। होमवर्क में हम प्रीवियस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे और बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।